मैं अलबेला जवां हूँ रंगीला, है दिल मंजिल है प्यार की। झूम झूम गाऊं नजारों पे छाऊं सनम मैं दिल बहार की। मैं अलबेला जवां हूँ रंगीला, है दिल मंजिल है प्यार की। झूम झूम गाऊं नजारों पे छाऊं सनम मैं दिल बहार की। जाने किसकी चाह में, मैं अलबेला जवां हूँ रंगीला, है दिल मंजिल है प्यार की। झूम झूम गाऊं नजारों पे छाऊं सनम मैं दिल बहार की। मैं अलबेला जवां हूँ रंगीला, है दिल मंजिल है प्यार की। झूम झूम गाऊं नजारों पे छाऊं सनम मैं दिल बहार की। हसीनों की टोलियां की टोलियां फूल जिनकी डोलियां भरती जाए हर कदम अपने दिल की झोलियां। मैं अलबेला जवां हूँ रंगीला, है दिल मंजिल है प्यार की। झूम झूम गाऊं नजारों पे छाऊं सनम मैं दिल बहार की। ए मुंडू सुनो, वो हेमा मेम साहब आए तो बोलना मैं घर में नहीं हूं। ओ हेमा, मैं न जाने तुम्हें कहां कहां ढूंढता फिरा, गलियों में ढूंढा, बाजारों में ढूंढा, ऊपर ढूंढा, नीचे ढूंढा, मगर तुम्हारा कुछ पता ही नहीं। तुम न जाने कहां गुम हो गए। यही तो पूछने आई हूँ कि तुम कहां गुम हो गए थे। बात यूं थी हेमा कि मुझे जरा एक बहुत जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए चला आया। मैं भी एक जरूरी काम से आई हूँ तुम्हारे पास। कहो। तुम्हें मुझसे ब्याह करना होगा। तुम हंस रहे हो? अरे हंसने की तो बात ही है, तुम और ब्याह। क्यों, मुझ में क्या बुराई है? बुराई तुम में नहीं हेमा देवी, बुराई मुझ में है, मेरे ख्यालों में, मेरे असूलों में। जरा मैं भी सुनूं। सुनो, असूल नंबर एक, शादी एक जंजीर है जिसमें सपनों को जकड़ा जाता है, एक कुल्हाड़ी है जो अरमानों पर चलाई जाती है। असूल नंबर दो, प्यार एक हक कि इंसान हंस सके, गा सके, जी सके, और शादी एक कानून है जो कहता है कि हंसना गुनाह है, गाना जुर्म है, जीना मना है। असूल नंबर तीन, मैं बताती। बताइए। मैं 6 महीने में तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली। हेमा तुमने कहानी बहुत खूबसूरत बनाई है, मगर अफसोस है मैं फंसूंगा नहीं। फिर तो मेरे लिए एक ही रास्ता है, कोई कुआं या नदी। जी 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 हेमा जी, कुआं बहुत गहरा होता है और नदी बहुत तेज होती है। कोई और बात सोचो ना। सोच चुकी हूँ। अगर मैं तुम्हारे पिताजी को सारी बातें लिख दूं तो जानते हो क्या होगा। तुम शायद एक बात भूल रही हो हेमा, मेरे पिताजी एक बहुत बड़े सरकारी वकील हैं और तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो अपने बेटे को भी अच्छी तरह जानते हैं। एंड आई विल सी इट। शेखर से मेरी दोस्ती हुई थी और अब वो रिश्ते में बदलना चाहती है।
हमारी शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। शादी से पहले बच्चे का पैदा होना मेरे और आपके खानदान की बदनामी है। आपकी होने वाली बहू हेमा। सुनती हो? जी क्या बात है? जानती हो तुम्हारे बेटे ने क्या किया? किसने क्या किया? शेखर ने और किसने? ये देखो उसने क्या किया। बचाने ये कब सोचे? भगवान जाने इसका क्या होगा। बहू, शांति बहू। माँ, दादी बुला रहे तुम्हें। क्या कहा? डैडी आ गए तुम्हारे? डैडी नहीं माँ, दादी बुला रहे तुम्हें। वही तो मैं पूछ रही हूँ, डैडी आ गए तुम्हारे? डैडी नहीं भाभी, माँ। माँ बुला रही है तुम्हें। इतना चिल्लाती क्यों हो? मैं बहरी हूँ क्या? बहू जरा ये चिट्ठी पढ़ना। तो ये चिट्ठी पढ़कर सुनाओ। नहीं नहीं, आपको यहाँ कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कचहरी आ रहा हूँ। और बात का ढिंढोरा नहीं पीटा करते। बहू जाओ अपना काम करो, जाओ। ये शेखर तो हमारी नाक कटा कर रहेगा। क्या बात है बहन, ये जीजा जी का आज पारा क्यों चढ़ा है? ये देखिए, आपकी बहन के लाडले ने फिर एक गुल खिलाया, आपको फिर बैंगलोर जाना पड़ेगा। वो लोग क्या बोल रहे? कुछ नहीं माँ, उन लोग कुछ नहीं बोल रहे। ये शेखर ने किया है? लोग औलाद मांगते हैं सुख के लिए। मुझे औलाद मिली लेकिन सुख न मिला। सोचा था एक वकील बनेगा, दूसरा डॉक्टर। शेखर की हरकत तो आपने देख ली। दूसरा जो वकील बना, मुकदमे लड़ने की बजाय हर साल एक बच्चे का बाप बन जाता। ये क्या मेरे वकील, मुझे छोड़कर कहां चले गए हो? तुम्हारे बिना बच्चे बिलख रहे हैं, तुम्हारी याद में मैं तड़प रही हूं। शांति शांति, वहां क्यों बैठी हुई हो? आओ ना मेरे पास। कौन? मैं? हाँ तुम। डरती क्यों हो? आओ ना मेरे पास। ए जी देखो ना, ये आदमी मुझे बुला रहा है। शांति मेरी जान। जान के बच्चे, अभी निकालता हूँ तेरी जान। कौन? क्या हुआ? तुमने शांति को आवाज दी? हाँ, शांति मेरी बीवी। शांति मेरी बीवी? समझा, आपकी बीवी का नाम शांति है? जी हाँ। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ भाई साहब, क्या आप ही एक शांति का ठेकेदार है? क्या किसी और की पत्नी का नाम शांति नहीं हो सकता? तो क्या आपकी पत्नी का भी नाम शांति है? जी हाँ, और वो तीन बच्चों की माँ है। माफ करना भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? जी मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, तीर्थ यात्रा। भगवान से ये कहने के लिए कि हे भगवान, दुनिया में और भी तो घर है, और भी तो आंगन है, फिर वो हमारा ही छप्पर क्यों फाड़ता है बच्चे देने के लिए? अच्छा भाई साहब, आप दोनों पति पत्नी कहाँ जा रहे हैं? जी हम लोग भी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, भगवान से कहने। शादी हुए पूरे 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक उसने मेरे घर का छप्पर नहीं फाड़ा। शेखर। आओ पद्मा, मुझे तुम्हारे। पद्मा, क्या मेरा नाम भी भूल गए हो? हाँ चंपा, आओ। मालूम होता है इंतजार पद्मा का था, चंपा आ गई। अजी जिसका इंतजार था वही आई है, मगर अफसोस यह है कि साथ उसे लाई है जिससे हमको सख्त नफरत है। मैं तो अकेली आई हूँ, साथ कौन है? तुम्हारा शक्की दिल, जो रोशनी में भी अंधेरा ढूंढ लेता है। आओ बैठ। हम कहें, एक मिनट ठहरो, आता हूँ। तुम वहां जाओ, फिर बैठेंगे। लेकिन मैं तुम्हारा धो के आई हूँ। अजी रस्ते में कितनी मिट्टी उड़ती है, देखो सारा ही भरा हुआ है। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, ये को पूछने की बात है। मेरी आंखों में आओ, मेरे दिल में आके बैठो। जबान कुछ कह रही है, चेहरे की रंगत कुछ और। मालूम होता है मैं गलत मौके पर आई हूँ। जी नहीं, ना मौका गलत है, ना तुम गलत हो, ना हम गलत है। वो चप्पल पद्मा, दरअसल बात यूं है कि वो अपना मामा है ना, मामा
उसकी बीवी की मामी की चाची की मासी वो हमारी रिश्तेदार होती है। वो बेचारी मुझसे मिलने आई थी और भूल गई। झूठ। देखो पद्मा, यही बात तुम्हारी हमें पसंद नहीं। तुम जब भी आती हो कभी अकेले नहीं आती हो, हमेशा उसको साथ लेके आती हो। किसे? अजी अपनी शक्की दिल को और किसको, जो रोशन में अंधेरा ढूंढता रहता है। आई हो तो बैठो, दो प्यार की बातें करें, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। अभी ऐसा मुंह हाथ धो लूं? अरे तुम्हारे मुंह धोने की क्या जरूरत है, फर्स्ट क्लास है तुम्हारा मुंह। रात में बड़ी गर्म थी। अजी हमें तो तुम्हारा मुंह बिल्कुल शीशे की तरह दिखाई दे रहा है। तुम बैठो मैं भी आता हूं। अम्मा मर गए। अम्मा चलो मुंह हाथ धो लो। अगला भी तुम कह रहे थे मेरा मुंह शीशे की तरह साफ है। अजी साफ था लेकिन अचानक कुछ गड़बड़ हो गई। तुम चलो ना। अरे पद्मा तुम बहुत अच्छी हो, तुम मुझसे बातें मारती हो। शेखर बेटा, शेखर। ओ मामा जी आप। मामा जी इस तरह अचानक आपने चिट्ठी लिखी होती मैं स्टेशन चला आता। आइए आइए बैठिए, आइए आइए। मामा जी कैसे आना हुआ? अरे बरखुरदार तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मामा जी मैं तो अच्छा बला हूँ, देखिए ना। वो सब मैं बाद में बताऊंगा। रेल में धूल बहुत उड़ती है, पहले मैं बाथरूम में नहा लूं। बाथरूम। मामा जी बात यह है कि बाथरूम में पानी नहीं आता, मैं तो महीने महीने भर नहीं नहाता। पानी नहीं आता? नहीं जी। अच्छा तो मैं म्यूनिसिपैलिटी के नल में नहा लूं। हाँ कितने अच्छे नहाते हैं बेचारे। तुम क्या बात है? मामा जी बात यह है कि एक महीने के बाद नहाया हूं ना, फिर जुकाम हो गया। आवाज कैसी आवाज? वो मामा जी बात यह है कि शहर में चूहे बहुत है, बड़े बड़े सारा भी शोर मचाते हैं। चूहे बहुत है तो इनका इलाज तो मेरे पास है। जी जी गोली अंदर, उसके बाद गोली अंदर। अरे मामा जी बात तो सुनिए, मामा जी आप भैया इनसे मैं निपट लूंगा। अरे मैं चूहों को बाहर तो निकाल दूं। अरे मामा जी लेकिन पास तो चूहे मुझसे हिले मिले हुए हैं। लेकिन मैं भी तो देखूं। तुम लोग निकलो। अच्छा तो ये है तुम्हारे चूहे? नहीं मामा जी ये तो लड़कियां हैं बेचारी, वो अपने पड़ोस में रहती है ना, पानी नहीं आई थी। तुम तो अभी कहते थे कि बाथरूम में पानी नहीं है। हाँ मामा जी पानी नहीं है, आप देख लीजिए खुद, मैं सच बोलता हूँ। आइए आइए देखिए मामा जी, पानी नहीं आता इसमें, बिल्कुल नहीं आता। हेमलता? मामा जी मैं किसी हेमलता को नहीं जानता। वो तुम्हें जानती है? उसने तुम्हारे पिताजी को खत लिखा, इसलिए मैं तुमको लेने आया हूँ। मामा जी लेकिन मेरा कॉलेज, मेरी पढ़ाई। मैं तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारी पढ़ाई, देख ली। तुम सामान बांधो, मैं हेमलता को भी देख के आता हूँ। हेमा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, संजीवनी लाया हूँ। क्यों नहीं, खुद भी तो अच्छे खासे हनुमान नजर आते हो। हेमा तुम्हें मालूम नहीं आज तुम्हारे हनुमान ने कौन सी लंका जीती है, एक कंजूस का बीमा किया है लाख का। बड़ी खुशी की बात है। खुशी तो तब होगी जब शादी होगी हमारी। शादी हो सकती है, कहीं से 25,000 रुपए का इंतजाम हो जाए। रुपया? शादी से रुपए का क्या नाता, शादी तो दिलों की होती है। पेट भूखा हो तो दिल टूट जाते हैं, अगर 25,000 रुपए का सीमेंट लगा दिया जाए तो शादी पत्थर की तरह मजबूत हो जाती है। अरे इतनी सी बात नहीं समझ सकी? समझ गया, ये भी एक पॉइंट है। हाँ मैं तुम्हारे वादों पर जी सकती हूँ, तुम मेरे मुस्कुराहटों पर जी सकते हो, लेकिन जब शादी होती है तो बच्चे भी होते हैं। हाँ होते हैं, ये भी एक पॉइंट है। इसीलिए तो कहती हूँ ले आओ 25,000। कोशिश करूंगा, मेरा एक मामा है बड़ा कंजूस मक्खी चूस, पत्थर से तेल निकल सकता है, उसके पैसे को हवा नहीं लग सकती। मेरा भी एक मामा है, वो कहता है कि ऐसे पैसों का हवा लगनी ही चाहिए। ये भी एक पॉइंट है। हाँ। जाता हूँ मामा के पास और लेके आता हूँ 25,000। मामा मामा नहीं 25,000।
ये भी एक पॉइंट है। कौन है आप? मामा। आप हनुमान के मामा हैं? हाँ हाँ। वो तो आपको ही मिल गया है। और मैं तुमसे मिलने आया हूँ। 25,000 की बात उसने की है मुझसे और मैं देने के लिए तैयार हूँ। सर बैठिए बैठिए। लेकिन एक बाधा आ पड़ी है। तुम किसी शेखर को जानती हो? शेखर? मैं किसी शेखर को नहीं जानती। नहीं जानते? और इस खत को भी नहीं पहचानते? ये आपको कहाँ से मिला? शेखर के बाप से। ये अगर सच है तो हनुमान से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। ये अगर झूठ है तो शेखर का बाप तुम्हें जेल भिजवा कर छोड़ेगा। जी हाँ, अभी तो मैं आया हूँ, कल डॉक्टर आएगा तुम्हारा मुआयना करने। डॉक्टर? हाँ, उसके बाद फैसला होगा तुम शेखर के बच्चे की माँ बनोगी या मेरे हनुमान की पत्नी। ये झूठ है, ये तो मैंने यूं ही लिख दिया था शेखर को धमकाने के लिए। ये खत हनुमान देख ले तो। भगवान के लिए मुझे दे दीजिए। शेखर के दूसरे खत भी तो तुम्हारे पास होंगे। जी हाँ। हनुमान उन्हें भी देख सकता है। मेरी मानो तो शेखर के तमाम खत मुझे दे दो। लेकिन बेटा मुझ पर विश्वास करो। ये लीजिए। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, दोनों खूब सजोगे एक दूसरे के साथ। भूल जाती है कि नहीं? हाँ भैया, रोज जाती है। अरे डब्बू बेटा कैसे तू? भाभी नमस्ते। मैंने कहा भाभी नमस्ते। चिल्लाओ मत, मैं बैरी नहीं हूँ। हाँ हाँ, तुम तो बैरी नहीं हो, मैं बैरा हूँ। शेखर बेटा, जुग जुग जियो मेरे लाल, जुग जुग जियो। शेखर कितना दुबला हो गया बेटा तू। नहीं मां ऐसा जाओ बेटा नहा दो। आप चाहते क्या है? शेखर अभी तो आया है, फिर वापस चला जाए। भाई साहब कितने रुपए देने पड़े? कुछ भी नहीं, सब काम बड़ी सफाई से हो गया। लेकिन ये सफाई कब तक? शेखर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, वो फिर कहीं फिसलेगा, फिर कहीं फंसेगा। मेरी माने तो शेखर की शादी कर दीजिए। तुम शेखर के साथ एक और जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? मैं इतना जानता हूँ कि शेखर को तुम्हारे प्यार ने बिगाड़ा है। मैंने बिगाड़ा है तो आप सुधार क्यों नहीं लेते? मैं डरता हूँ तो उस दिन से। भगवान से प्रार्थना करो वो घड़ी कभी ना आए जब शेखर सुधरने के लिए मेरे सामने हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है। मैंने शेखर जैसे बहुत बेटे देखे, हवालातों में, कैद खानों में। लेकिन एक बात मैं भी आपसे कहूंगा, आपने शेखर पे कभी जिम्मेदारी नहीं सौंपी, उस पर कभी विश्वास नहीं किया। जो मैंने नहीं किया अब आप कर देखिए। ये है मेरे भांजे, आपसे नए मैनेजर। बैठो। लेकिन मामा जी मैं? ओहो, तुम्हारे पिताजी को तुम पर विश्वास नहीं लेकिन मुझे है। उम्मीद है तुम मुझे मायूस नहीं करो। ये लो चाबी और संभालो सारा कारोबार। बैठो। डैडी आ गए, डैडी आ गए। क्या दादी बुला रही है? दादी नहीं माँ, डैडी आ गए। नहीं, नहीं, नहीं। महीनों बाद आए हो, फिर भाग रहे हो? भागू नहीं तो और क्या करूं? क्या कहा? भागू नहीं तो और क्या करूं? तुम्हारे साथ रहना मुश्किल, तुम्हारे बिना भी रहना मुश्किल। अगर तुम्हारे साथ रहता हूं तो 3 बच्चों की जगह 4 बच्चे हो जाते हैं, और तुम्हारे बिना रहता हूं तो पिछले ये 3 की याद बहुत आती है। बेटा महेश। माँ आ गए? जीती रहो। हो गई तीर्थ यात्रा? हाँ माँ हो गई। ये तुम्हारे लिए जल ले आया हूँ, गंगा जल। गंगा जल? महेश भैया
शेखर, अरे क्या कर रहा? अरे भैया तुम तो बहुत मोटे हो गए हो। भैया मेरे लिए कुछ नहीं लाए? ये है ना, ये लो। थैंक यू, थैंक यू। अच्छी चीज है। परिवार नियोजन? भैया जी मैं इसे क्या करूंगा, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। नहीं वो शेखर, ये मैं अपने लिए लाए हो। यहाँ क्या कर रहे हो? वो आबादी की रोकथाम पे किताब पढ़ रहा हूँ। क्या? आबादी की रोकथाम पे किताब पढ़ रहा हूँ, जो मुझे 6 साल पहले करना चाहिए था। फिर क्या होता? मेरी 3 मुश्किलें कम होती। तुम इन्हें मुश्किलें कहते हो? ये तो टुकड़े हैं मेरे दिल के। हाँ, तुम्हारे दिल के और टुकड़े न हो इसलिए मुझे बाहर सोना चाहिए। हाँ, हाँ, तुम्हें जरूर बाहर सोना चाहिए। चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ आती हूँ। चलो हम तुम्हें एक अच्छी सी बात कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जरा ऊंचा बोलो ना। मैं तुमसे बहुत, सारा घर उठ जाएगा, मैं क्या करूँ। चलो ये क्या है? ये जादू की मशीन है, इसे अपने कान से लगा लो। लगा लगा लगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार इतना खुरदुरा होता है? नहीं, नरम होता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक बार फिर कहो। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो चुप चुप के मिलना, वो हंसना हंसाना, वो दिन याद करो। हम तो चमन में चांद और सूरज है जैसे गगन में, फिरते थे आजाद हम तो चमन में चांद और सूरज है जैसे गगन में, अब तो ये जीवन है उलझन की सीमा, धड़के मेरा दिल अब धीमा धीमा, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो। वो दिन याद करो,
दिन याद करो, वो छुप छुप के मिलना, वो हंसना हंसाना, वो दिन याद करो। तो वो ही है दिन वो कहाँ है, दिल तो हमारे अब भी जवां है। हम तो वो ही है दिन वो कहाँ है, दिल तो हमारे अब भी जवां है। दिल में ही तड़पे ये अरमान सारे, प्यासे के प्यासे है नदिया किनारे, वो दिन याद करो। वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, वो फूलों की छैया, वो मौसम सुहाना, वो दिन याद करो, वो दिन याद। भैया क्या है? मुझे अपनी कार में स्कूल छोड़ दो ना। कार में स्कूल छोड़ दो क्यों? आज टांगे वाला नहीं आया। मेरे टांगे वाला नहीं आया तो पैदल चली जा। अच्छा तो तुम मुझे अपने कार में नहीं ले चलोगे? नहीं 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 नहीं। पिताजी, मोही पिताजी को कहाँ बुला रही है? चल छोड़ देता हूँ, जब देखो कुछ कर दो। कौन? शेखर और कौन? अब तो रास्ता चलना भी भारी हो जाएगा, बड़ा छटा हुआ है। ना अपने खानदान का ख्याल है, ना दूसरों की इज्जत का। जो नजर आए साहब उसके पीछे हो लिए। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दू, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दू, मुखड़े को छुपा लो आंचल में कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बद्दू, मुखड़े को छुपा लो आंचल में कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बद्दू। पिताजी आपने मुझको बुलाया? अंधा है क्या? क्या कहा? बदतमीज है। अरे गोपी तू शेखर, बेटा शेखर। डार्लिंग अनएक्सपेक्टेड, आजकल गाड़ी क्या रिवर्स में चला रहे हो? अरे मेरी जान, गाड़ी रिवर्स में नहीं चला रहा हूँ। किसी ने टेढ़ी नजर से क्या देखा कि गाड़ी अपने आप रिवर्स में चलने लगी। प्यारे किसने टेढ़ी नजर से देखा तेरे को? अभी देखा। अरे वो देख। ओह शेखर प्यारे, ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ए, कौन है ये? ये लड़कियों के स्कूल में पढ़ाती है, शारदा नाम। अबे घनचक्कर इतना तो मैं भी जानता हूँ। पहले ये बताओ कि ये रहती कहाँ है, आती कहाँ से है, जाती कहाँ है? प्यारे ये सब बातें तो मुझे मालूम नहीं। इतना जरूर जानता हूँ ये हमारी और तुम्हारी पहुंच से बिल्कुल बाहर है, इसलिए जो हाथ प्यार से बढ़ाना चाहते हो ना उसको प्यार से वापस खींच लो। क्या ख्याल है गोपी? हाथ बढ़ा। कौन सा हाथ रे? अबे दाया वाला। और कौन सा? बड़ा 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 बढ़ाया। प्यारे अपना चक्कर भी देखना तू। हाँ सौ में से चालीस,
शोभा 100 में से 70 शाबाश। सरला 100 में से 8 साइलेंस। इस तरह किसी की कमजोरी पर हंसना नहीं चाहिए। सरला हिसाब का तो सीधा हिसाब है, दिल लगाओ तो खेल, न लगाओ तो फेल। बैठो, देखो अब मैं तुम सबसे हिसाब का ही एक दिलचस्प सवाल पूछती हूँ। मान लो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए देती हूँ और कहती हूँ तुम मुझे नए पैसे में 1 रुपया लौटा देना। पहले दिन 1 नया पैसा, दूसरे दिन 2 नए पैसे, तीसरे दिन 4 नए पैसे, चौथे दिन 8 नए पैसे, पांचवे दिन 16 नए पैसे और इसी तरह दुगने करके 30 दिन तक मुझे देती रहना। देती रहूंगी, जिंदगी भर देती रहूंगी। पहले 1,00,000 रुपया तो दो। सरला तुम्हें चक्कर में डाल रही है बहू। चक्कर इसमें क्या है पिताजी, 1,00,000 रुपए दे रही है, नए पैसे मांग रही है। हाँ, बात इतनी सीधी नहीं है महेश भैया। अरे महेश को क्या मालूम, ये तो खुद हिसाब में नालायक था। बहू सरला बहुत चालाक है, 1,00,000 देकर 1 करोड़ वसूल करना चाहती है अपने दहेज के लिए। अच्छा बेटी ये सब बातें तुम्हें किसने बताई? मेरी टीचर शारदा देवी ने। मुझे हिसाब नहीं आता डैडी, वो बहुत अच्छा समझाती है। मुझे उनसे टेंशन ले दीजिए ना। हाँ हाँ पिताजी जरूर ले दीजिए ना, शारदा सचमुच बहुत समझदार है। तुम्हें कैसे मालूम? जी जी वो अभी अभी सरला तो कह रही थी। अच्छा बेटी मैं उनसे मिलकर तुम्हारी ट्यूशन का इंतजाम कर दूंगा। थैंक यू डैडी। बेटी शारदा लो मैं तुम्हारी किताबें ले आया हूं। वही है ना? हाँ पिताजी। अरे सुनियो वो सरकारी वकील साहब है ना, वो कचहरी में मिले थे और कह रहे थे कि उनकी लड़की सरला है उसको ट्यूशन देना है, कल से तुम उनके घर चली जाना। हाँ उनके घर? हाँ बेटा वो बड़े लोग हैं और तुम्हारे आने जाने के लिए उन्होंने रिक्शा का भी बंदोबस्त कर रखा है। बेटा तुम्हारी इस ट्यूशन से हमारे घर की मदद हो जाएगी। मैं तो ट्यूशन का एडवांस भी लाया हूँ। एडवांस भी लाया? ससुर के लिए लॉलीपॉप नहीं लाया? ससुर जी लॉलीपॉप भी लाया हूँ, पहले आप सोडा तो खत्म कीजिए। सबके लिए सब कुछ आता है, मेरे लिए कुछ नहीं लाया? लाया हूँ सोनिया, लाया हूँ। ये लो। अरे सुमन ये लो वारंट। सुना बापू, और ब्याहो अपनी लाडली वकील के मुंशी से, और कुछ तो लाते नहीं, रोज सम्मन और वारंट आ जाते। सुनियो तुम्हारे लिए फूलों का गजरा लाया हूँ। फूलों के गजरे का इतना रूप दिखाते हो जैसे सोने का हार लेके आए हो। वो भी लाया हूँ। किताब? किताब नहीं, ये हारों के नमूने हैं, जो पसंद आए चुन लो। चुन तो लूंगी, पर कभी आएगा भी? कैसे आएगा, तुम्हारा बाप मेरी सारी तनख्वाह सोडे में घोल कर पी जाता है। मेरा बाप 2 पैसे का सोडा भी पिए तो तुम्हारा पेट दुखता है। बेशक तुम्हारी बेटी 100,000 रुपए की किताबें खरीदे। मेरी बेटी तुम्हारी भी बेटी है, लेकिन तुमने उसे बेटी नहीं माना, सौतेली हो ना। लो और सुनो लोगो, मैं सौतेली हूँ तो तुम क्या हो? बेकार निकम्मे निखट्टू। निखट्टू? जानती हो हमारे वकील साहब ने क्या कहा? वो कह रहे थे कि शंभुनाथ अगर तुम वकालत पास करते तो सारे वकीलों को पीछे छोड़ जाते। और उन्होंने ये भी कहा कि शंभुनाथ तुम खाते क्या हो जो इतने जवानों से जवान दिखते हो। क्यों सुनियो, मैं जवान दिखता हूँ ना? सच कहो दिखता हूँ ना? वो चले हाँ वो चले हाय वो चले, झटक के दामन मेरी आरज़ू मिटा के मिटा के। वो चले हाँ वो चले हाय वो चले, झटक के दामन मेरी आरज़ू मिटा के मिटा के। मेरा दिल वो ले गए हैं मुझे राह में, बिठा के वो चले।
उन्हें क्या मिलेगा आखिर मुझे इस तरह जला के वो चले हाँ वो चले झटक के दामन मेरी आरज़ू मिटा के मेरा दिल बोले गए हैं मुझे राह में बिठा के वो चले ना बुझे बादलों से ना बुझे मेरे दिल की धड़कनों में गए आग जो लगा के वो चले हाँ वो चले बहक रहे हैं मुझे दो कोई सहारा मुझे दो कोई सहारा ये कदम बहक रहे हैं मुझे दो कोई सहारा मुझे दो कोई सहारा वो नजर नजर से मुझको गए जान क्या पिला के वो चले हाँ वो चले झटक के दामन मेरी आरज़ू मिटा के मेरा दिल बोले गए हैं मुझे राह में बिठा के वो चले टीचर ये मेरी माँ है और वो पिताजी नमस्ते नमस्ते सरला ने आपकी बहुत तारीफ की है हम जरा बाहर जा रहे हैं आप इसकी पढ़ाई आज से ही शुरू कर दीजिए चलिए चलिए आप बैठिए मैं एक मिनट में आती हूँ आप यहाँ जी मालूम है आपको ये किसका घर है आप बता दीजिए ये सरकारी वकील साहब का घर ओ सरकारी वकील साहब का घर ये तो जानकर बड़ी खुशी हुई मैं यहाँ पढ़ाने आई और हर रोज पढ़ाने आएंगी ये जानकर और भी ज्यादा खुशी हुई कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ सरला सरला चाहिए आपको मैं बुला के देता हूँ सरला ओ सरला आई आ रही है अरे आप इन्हें जानती नहीं ये तो मेरे छोटे भैया हैं नमस्ते जी नमस्ते सरला तुम्हारे भैया को यहाँ कोई काम होगा चलो हम बाहर जी नहीं मुझे कोई काम नहीं यहाँ आप यहीं बैठिए तू बैठ जा बैठ जा यहीं पढ़ाइए मैं वहाँ बैठ जाता हूँ हिसाब की किताब निकाल नहीं हिंदी की मैं तुम्हें एक पाठ सिखाती हूँ विराट के अंतपुर में जब द्रौपदी जा रही थी
तो कीचक की नजर उस पर पड़ी। द्रौपदी दासी के भेष में थी, लेकिन उसका महारानियों जैसा रूप कीचक को भा गया। वो ये भी भूल गया द्रौपदी परस्त्री है। प्रेम में आदमी सब कुछ भूल सकता है। ये भी भूल सकता है उसके सामने कौन खड़ा है। कीचक भी भूल गया था, इसीलिए उसका ये अंत हुआ। क्या अंत हुआ था उसका? अरे आप नहीं जानते कि उसका क्या अंत हुआ था? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानते हुए भी जानना नहीं चाहते। चलो सर हम बाहर चल के। आजी आप बिगड़ती क्यों हैं? आप बैठिए, मैं ही चला जाता हूँ। ये क्या? मेरा दिल, मेरी जिंदगी। ₹25,000 की बैंक रसीद मेरी नाम? हाँ, मेरे खून में लिखी हुई। खून? और क्या, रुपया खून ही से तो बनता है। ₹25,000 कमाने के लिए हेमा इंसान को 25 मन खून जलाना पड़ता है। शादी कब होगी अपनी? कब मैं दूल्हा बनके तुम्हारे घर आऊंगा घोड़ी पे बैठ के? फिर वही पुराने ख्याल। ये भी एक पॉइंट है, फिर कचहरी में जाके शादी रजिस्टर कर लेंगे। कचहरी? हाँ, कचहरी में जाने की क्या जरूरत है, तुम्हारी मेरी शादी तो हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है। है? हो चुकी है? वेन वेन, कब? जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा, हाय, दिल हार गई, जान हार गई। शादी और क्या होती है? ये भी एक पॉइंट है। नहीं नहीं, लेकिन पब्लिक को कैसे मालूम होगा? उसका आसान तरीका है, फौरन एक वसीयत लिख दो कि तुम्हारे बाप तुम्हारी बीवी यानी कि मैं तुम्हारी हर चीज की वारिस समझी जाऊंगी। ठीक? ठीक। इससे ये तो साबित हो गया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। इससे ये साबित नहीं होता कि मेरी शादी तुमसे हुई है। उसके लिए जरूरी है एक वसीयत तुम भी करो मेरे नाम, जिससे ये साबित हो जाए दोनों की शादी दोनों से हुई है। ठीक? ये भी एक पॉइंट है। अरे सरला, तू सातवीं क्लास में फर्स्ट आई है? हाँ भैया। अरे वंडरफुल, फिर तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए, ये ले फाउंटेन पेन। थैंक यू भैया। सुन, तेरी टीचर ने भी तुम्हारी पढ़ाई पे खूब मेहनत की होगी। हाँ। फिर तो उसे भी इनाम मिलना चाहिए। ये ले घड़ी, दे दे उसे। तुम ही दे दो ना भैया। अरे पगली पढ़ाती तुझे इनाम में, तू दे। शाबाश शाबाश शाबाश। टीचर, भैया ने मुझे ये पेन दिया। बहुत अच्छा है। और ये घड़ी? ये भी बहुत अच्छी है। भैया ने ये घड़ी आपको दी है? उन्हें कहो किसी और को दें जाके। और कोई देना चाहे तो? मैं गैरों से कोई चीज नहीं लेती। अजी, कोई गैरों को अपना बनाना चाहे तो वो भी अपने बन सकते हैं। सरला, घड़ी लौटा दो इन्हें और कहो इनसे ये अपना वक्त भी जाया कर रहे हैं, हमारा भी। कुछ कहने की जरूरत नहीं सरला, मैं सब सुन चुका हूं। शुक्रिया। मैंने कहा सुनते हो? देख लो, मेरे बेटे ने जरा सी घड़ी छुई, लव लहान कर डाला शेखर ने। मैं वक्त पर ना पहुंचती तो शायद जान से ही मार डालते। मैं पूछती हूँ ये घर किसका है? मिस्टर धर्मदास का। ये जायदाद किसकी है? मिस्टर धर्मदास की। तुम कौन हो इस घर में? मिस्टर धर्मदास का बेटा। मैं कौन हूँ इस घर में? मिस्टर धर्मदास की बहुरानी। महेश। पिताजी आया, पिताजी आया। महेश, जी क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। यही तो तुम्हें बीमारी है, ना कुछ करते हो ना कुछ करने के काबिल। अरे मैं तो सिर्फ BA LLB हूँ और तुम हो MA LLB। तुम चाहते तो आज बहुत बड़े वकील बन सकते थे। पिताजी, मैं वकील बनना नहीं चाहता। क्यों? वकील दूसरों के झगड़े की कमाई खाते हैं। मैं चाहता हूँ दुनिया में कहीं झगड़ा ना हो, चारों तरफ शांति ही शांति हो। शांति का बच्चा, वकील दूसरों के झगड़ों पर नहीं जीते बल्कि इंसाफ और सच्चाई की खिदमत करते हैं। कल से जाकर तुम रामदास वकील के साथ काम करना शुरू कर दो, मैंने उनसे बातचीत कर ली है। जाओ। ओहो, कौन है? अरे भाई, अरे आप? जी, वो मुझे वकील साहब से मिलना है।
क्या काम है आपको वकील साहब से? जी वो मैं उन्हीं को बताऊंगा। तो आप ऐसा समझ लीजिए ना कि आप वकील साहब से बात कर रहे हैं। लेकिन कैसे समझ लूं मुंशी जी, आप ही बताइए ना, क्या घोड़ा गधा हो सकता है? कैसे हो सकता है? और गधा घोड़ा हो सकता है? ये भी कैसे हो सकता है जनाब, गधा गधा है, घोड़ा घोड़ा है। हाँ तो इसीलिए जनाब मैं भी ये कहता हूँ कि वकील वकील होता है और मुंशी मुंशी होता है। करेक्ट। आपने तो कमाल कर दिया। अरे शंभूनाथ दुनिया को चक्कर खिलाता है और आपने शंभूनाथ को चक्कर दे दिया। ऊपर वाले आप तो बड़े चालाक वकील साहब मालूम। शंभूनाथ वकील, वो सुप्रीम कोर्ट का फाइल कहाँ है? ओ, नमस्ते वकील साहब। ओ महेश तुम आ गए। शंभूनाथ आज से ये हमारे दफ्तर में काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। महेश बाबू मैं तो उसी वक्त समझ गया था जब आपने घोड़ों और गधों का मिसाल दिया था, लेकिन आप घबराओ मत, इस हाथ के नीचे से बहुत से वकील साहब पास होकर चले गए। शारदा देवी, ओ शारदा देवी। टांगा क्या हुआ? वो जी घोड़े की टांग टूट गई, इसलिए गाड़ी भेज दी आपके लिए। अच्छा चलो आइए आइए बैठिए। सरला, घर में कोई नहीं, सब पिक्चर देखने गए। आप? शुक्र है आपने पहचान तो लिया। मैं आपको बहुत पहले से पहचानती हूँ, हटिए मेरे रास्ते से। तमाम दरवाजे बंद हैं, ताकि हम दिल खोल के बात कर सकें। आपकी ये मजाक आज ही हुई, बहुत रोका इस दिले नामराद को, मगर आज बगावत पे तुल गया है। दरवाजा खोल दीजिए नहीं तो मैं चिल्ला दूंगी। नुकसान तुम्हारा होगा, मेरा क्या, मुझे तो सारी दुनिया जानती है। बदनामी तुम्हारी होगी। मैं तो साफ साफ कह दूंगा कि घर में कोई नहीं था, इसलिए मुझसे छुप के मिलने आई थी। आपसे कुछ दूर नहीं, आप नीच से नीच काम कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए मैं भी कोई मोम की गुड़िया नहीं, जिद का मुकाबला हट से कर सकती। अजी इन्हीं अदाओं ने तो लूट लिया है मुझे। शारदा यकीन मानो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे ब्याह करना चाहता हूँ। शारदा ब्याह आपसे? अरे इस घर में बहू बनकर आओगी तो सात जन्म संवर जाएंगे तुम्हारे। जन्म क्या संवरेंगे, जो ब्याह करेगी आपसे बेचारी के भाग फूट जाएंगे। आपके लिए औरत एक खेलने की चीज है, ऐश का सामान, इसीलिए तो मैं आपसे नफरत करती हूँ। इतना गरूर अच्छा नहीं शारदा, मैंने जिंदगी में जो कुछ चाहा उसे हासिल करके छोड़ा, तुमसे ब्याह करूंगा और जरूर करूंगा। ये ब्याह नहीं होगा, आप शराफत से दरवाजा खोल दीजिए। वकील साहब से कह दीजिएगा अब मैं इस घर में नहीं आऊंगी। तुम आओगी और जरूर आओगी, इस घर की बहू बनकर आओगी। वापस आ गई महारानी? मैंने सोचा मोटर में गई है, अब कल सवेरे ही आएगी लंबी सैर करके। मैंने क्या किया है? मुझे क्या मालूम क्या करके आई हो, हमें कहती है पढ़ाने जा रही हूँ, पढ़ने वाले चिट्ठी भेज देते हैं, आज हम सिनेमा जा रहे हैं, आने की जरूरत नहीं। कौन था जिसके साथ मोटर में घूमने गई थी? मैं घूमने नहीं गई थी बापू, पूजा करने गई थी मंदिर में। माँ, खबरदार मुझे माँ कहा तू, तू मेरी सगी बेटी होती तो आज मैं तेरा गला ही घोंट देती। बापू तुम चलो जी अंदर। बापू सुनी मिस कपूर, शारदा और शेखर की प्रेम कहानी क्या?
जो कुछ मैंने सुना है वह सच है? वो सच नहीं है, लेकिन कौन मानेगा, इसलिए मैं अपना इस्तीफा दे रही हूं। जाने से पहले इतना जरूर कहना चाहती हूं, एक चीज है जो आपके स्कूल से भी बड़ी है, मेरे खानदान से भी बड़ी है, वो है मेरा चरित्र, जिस पर ना कोई हाथ डाल सका है ना डालेगा। क्या शेखर की वजह से शारदा को इस्तीफा देना पड़ा? जी हाँ वकील साहब, अगर आप शेखर को नहीं रोकेंगे तो मेरी लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी, उससे कोई शादी नहीं करेगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं समझता हूँ मुंशी जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा शेखर ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। शुक्रिया। शेखर, शेखर! क्या बात है? कहाँ है तुम्हारा लड़ना? फिर शेखर ने कुछ किया? हाँ, फिर उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। ये सर जो कभी बड़े बड़े जजों, बरिस्टरों और कलेक्टरों के सामने हो चुका, आज एक मामूली से मुंशी के सामने से झुकना पड़ा। कहाँ है वो, बताओ कहाँ है वो? डालेंग यही सौ क्या, चलो घर चलें। आज फिर देर हुई ना? रोज होती है। कल से नहीं हुई। तुम्हारा क्या भरोसा? मेरा यकीन करो ना। कैसे करो, तुम अपना चलन देखो शेख, बाहर से सुन के आते घर में आके मुझे सुनाते, सुनती सुन के कलेजा छन्नी हो जाता है। मां लेकिन अब मैं, अब तुम्हारा मां कहना भी बुरा लगता है शेखर। शारदा जैसे देवी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो गली गली उसे बदनाम किया? मैं उससे प्यार करता हूं मां। जिससे प्यार करते हैं उसे बदनाम करते हैं, कैसा प्यार है तुम्हारा? मैं सच कहता हूं, एक बार मेरा यकीन कर लो, मेरी शारदा से शादी करवा दो, फिर देखना मैं दूसरे शेख बन जाऊंगा। मां फिर तुम्हें मेरे नाम से शर्म नहीं आएगी, पिताजी की गर्दन दूसरों के सामने नहीं झुकेगी। सिर्फ इतनी सी बात मान लो, मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा, बिल्कुल। सच सच शेखर? हाँ मां, तुम सिर्फ पिताजी को मना लो, वो भी मान जाएंगे। मैं उन्हें मना लूंगी, मना लूंगी शेखर। शेखर लॉलीपॉप। ससुर जी एक लॉलीपॉप ने दर्जनों से लॉलीपॉप है, और साथ ही साथ तुम्हारे लिए सोडे की बोतलें भी लाया। अरे तुम आए हो इस मोटर में? अजी साहब अब तो रोज आया जाया करेंगे इस मोटर में। हाँ अरे मोटर जो अपनी हो गई है। कैसे? अरे सरकारी वकील अपने हो गए। सरकारी वकील आज वकीलों के सामने, मजिस्ट्रों के सामने, जजों के सामने सर झुकाकर कहा कि मिस्टर शंभुनाथ, आपकी बेटी शारदा की शादी अगर मेरे बेटे शेखर से हो जाए तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझूंगा। क्या मतलब जानती हो? अब तो मुंशियों और क्लर्कों की बीवी के साथ नहीं बैठोगी, अब हमारी सोसाइटी हाई हो गई है, जजेस एडवोकेट मजिस्ट्रेट के सोसाइटी में हम लोग रहेंगे। अरे मैं तो शादी का दिन भी तय करके आया हूँ, तुम्हें तो खुशी हुई होगी, तो फिर मुझे एक अच्छी सी कॉफी पिला दो। अभी नहीं। जा जल्दी से। कि मैं कितना बेवकूफ हूँ, अरे तुम्हारी शादी की खबर और तुम्हें ही नहीं सुनाई। मैं सुन चुकी हूँ। इतनी जल्दी क्या थी, मुझसे पूछा तक नहीं? मुझे मालूम था तुम इनकार नहीं करोगी, ये रिश्ता तुम्हें पसंद है। मुझे रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ? शारदा ये क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ पिताजी, वो धनवान है, आपने उनकी दौलत देखी है पिताजी, मेरे दिन का नहीं सोचे। तो तुम क्या चाहती हो शारदा, रिश्ता लौटा दूं? लोगों के मुंह में जो कुछ आए वो कहें, मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर कहीं भी जाऊं
तो लोग शेखर का नाम ले लेकर मुझे चिढ़ाए। पिताजी, तुम कुछ भी कहो शारदा, ये किस्सा हर जबान पर है। ये झूठ है पिताजी, झूठ है। लेकिन लोग इसे सच समझ रहे हैं, इसीलिए मैंने ये रिश्ता मंजूर कर लिया। शारदा, तुम चाहती हो कि मैं कहीं जाकर डूब मरूं? नहीं पिताजी, नहीं, ऐसा मत कहिए। मुझे शादी मंजूर है। शर्मा रही है शारदा? मेरा ख्याल था तुम ब्याह से इनकार कर दोगे, मगर जब मैंने सुना कि तुम मान गई हो तो यकीन मानो शारदा, मैं बहुत खुश हुआ। बात क्या है शारदा, मेरी तरफ देखो, ऐसे मौके पे आंसू, ये उदासी क्यों शारदा? मैंने अब तक क्या बिगाड़ा था जो इस तरह बदला लिया आपने? बदला? शारदा, मैंने तुमसे शादी की है, प्यार किया है। प्यार? ये शब्द कितनी लड़कियां सुन चुके हैं आपसे, कितनी और सुनेंगी? शारदा, मैं इनकार नहीं करता शारदा, मैं खिलौनों से खेला जरूर, लेकिन देवी को पहली बार दिल में बिठाया है तुम्हें शारदा, सिर्फ तुम्हें। इसीलिए आप गलियों बाजारों में मेरा पीछा करते रहे, आप मुझे धोखे से घर ले आए, मुझे बदनाम किया इसी प्यार के लिए। ये मत भूलो शारदा, इसी प्यार के लिए मैंने तुमसे ब्याह किया, तुमने अपनी पत्नी माना। ब्याह आपका प्यार साबित नहीं करता, आपका अधिकार साबित करता है। आप मुझे जीत नहीं सके तो आपने मुझे बांध लिया। ये झूठ है शारदा। ये झूठ नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं, जो आप नहीं कर सकते आपका रुपया कर सकता है। आप इतने बलवान हैं कि चाहे तो फूल को मसल सकते हैं, लेकिन आप ये कली को खिलने पर मजबूर नहीं कर सकते। तुम्हें ये शादी अगर मंजूर नहीं थी तो इनकार क्यों नहीं कर दिया? इनकार किया भी मैंने, लेकिन एक छोटा सा गरीब मुंशी एक बड़े से अमीर सरकारी वकील के आगे इनकार नहीं कर सका, और सौदा हो गया, मेरे जिस्म का सौदा, मेरी जिंदगी का सौदा, दोनों हाजिर हैं। अब सोच क्या रहे, अपनी जीत मनाइए और दुनिया को बताइए आप कितने बहादुर हैं। मैं भी इंसान हूं शारदा, एक मासूम भेड़ पे झपटने वाला खूंखार भेड़िया नहीं, मेरे सीने में भी दिल है, मुझे भी किसी जिस्म की भूख नहीं, मुझे भी अधिकार चाहिए तो तुम्हारे दिल का, तुम्हारे प्यार का, और वही आपको नहीं मिलेगा। और जब तक वो अधिकार मुझे मिल नहीं जाता, मैं तुम्हें वचन देता हूं शारदा, मैं तुम्हें छूंगा नहीं। मेरी जीत उसी वक्त होगी जब तुम आंखों में आंसू लाकर कहोगी, शेखर मैं हार गई, मुझे अपना लो। हम दोनों एक ही छत के नीचे रहेंगे, मगर एक दूसरे से अलग। शारदा, देखने में ये महीन जाली का पर्दा है, मगर मेरे और तुम्हारे दरमियान ये लोहे की दीवार बनकर खड़ा रहेगा। शारदा, एक मिनट।
तुम्हारा सुहाग बना रहे। शेखर अब तक सो रहा है? बैठी बैठी बहू, ये तुम्हारे लिए लाई हूं। इतने सुंदर गहने? मेरी बहू गहनों से भी सुंदर है। हाँ। आप भी पहना दीजिए ना बेटी को। इन हाथों को देखो। देख रहा हूं, सेहत अच्छी हो रही है तुम्हारी। ये नंगे हाथ हैं, और बहू के हाथों को देखो, वो सोने से लदे हुए हैं। राम 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 राम, छोटी बहू के हाथ मैं देखूं? क्या मैं इतना बेशरम हूं? बेशरम तो मैं हूं जो सब कुछ सह लेती हूं। टोकरी भर के सोना लाई थी इस घर में अपने मायके से, वो तो स्कूल की मास्टरनी है, मैं तो तहसीलदार की बेटी हूँ। तुम लोग ये भी भूल जाते हो। दिन में 100 बार तो सुनाती हो भगवान, कोई भूल सकता है? मैं कहती हूँ बहू को बहुत सा सोना दिया गया है, और मुझे किसी ने चांदी का छल्ला तक नहीं दिया। तुमको भी तो सब कुछ मिला था ना, माँ ने हर चीज के 2 सेट बनाए थे, एक तुम्हारे लिए एक बहू के लिए। कसूर माँ बहू का नहीं बल्कि तुम्हारे दिल का है, जो हर किसी से जलता है। मेरी बात तो सुनो। आकर सुनूंगा, इस वक्त मैं एक बहुत बड़ा मुकदमा लड़ने जा रहा हूँ। फूट गए उसके भाग जिसका मुकदमा तुम लड़ोगे। घबराओ मत महेश बाबू, ये केस हमारे जेब में है। आपकी जेब में? मेरे जेब में? हमारे जेब में है। अच्छा, आइए। आप घबराइए मत, जल्दी केस पेपर तैयार कर दो। मुकदमा नंबर 12 पेश किया जाए। जैसा 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 जब मिलॉर्ड मिलॉर्ड मुकदमा साफ है, सीधा है, अच्छा है। और क्या है? मुल्जिम ने हमारे मोकल की जमीन पर दीवार खड़ी की है। हाँ, यस यस मिलॉर्ड, मुल्जिम ने दीवार पर मोकल को खड़ा कर दिया। आर्डर आर्डर। मुल्जिम ने हमारे मोकल की जमीन पर दीवार खड़ी की है। हाँ, मुल्जिम ने हमारे मोकल पर मोकल खड़ा कर दिया। तो फिर क्या है? अरे मुल्जिम ने हमारे मोकल की जमीन पर दीवार खड़ी की है। मिलॉर्ड, ये जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। मिस्टर महेश, इस मुकदमे के वकील कौन है, आप या आपका मुंशी? जी, मैं। पहले मुकदमा बयान कीजिए। मैं मुंशी जी, मैं तो अपने वकील के हाथ में हो गया, इनसे कहीं और कुछ नहीं हो सकता तो तारीख ले ले। आप घबराइए मत, आप घबराइए मत महेश बाबू। मिलॉर्ड, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। वजह बयान कीजिए। जी, दफा IPC यस 151। यस मिलॉर्ड, PP 51 151। ये कौन सी दफा है? जी दफा दफा होगी। दफा कौन सी? मिस्टर महेश, आप अदालत में वकील बन के पेश हुए हैं, आपको वो दफा भी मालूम नहीं जिसका आप हवाला दे रहे हैं। मुकदमा खारिज कर दिया गया। आप बोलिए वकील साहब। वकील साहब, मिलॉर्ड मिलॉर्ड। मिस्टर महेश, आपने सुना नहीं, मुकदमा खारिज कर दिया गया। और याद रखिए, आइंदा कचहरी में आने से पहले अदालत के अदब आदाब सीख के आइए। अरे इस सबके सब तुम्हारा यहाँ सर खा रहे हैं। चलो भागो भागो यहाँ से। नहीं नहीं, रहने दीजिए, बच्चों से दिल लगा रहता है। शेखर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूँ माँ, किताब से दिल लगा रहता है। दिल लगाना है तो सीधा लगाओ, उल्टा नहीं। अरे तुम लोग अभी गए नहीं? जाते हो या बुलाओ तुम्हारी माँ को। जा सरला, ले जाइए इन्हें। ये लोग तुम्हें एक मिनट भी यहाँ चैन नहीं लेने देते, इसीलिए उन्होंने सोचा तुम दोनों को पहाड़ पर भेज दें। और माँ, मेरा दफ्तर? तुम्हारी छुट्टी का इंतजाम हो गया है बेटा, वहाँ बंगला भी ले रखा है। लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं, तुम दोनों को कल ही जाना होगा। घबराओ मत शारदा, जो दीवार हमारे दरमियान यहाँ है वो वहां भी रहेगी।
हम सिर्फ मां का दिल रखने के लिए वहां जाएंगे। दरवाजा बंद कर। काम का सर्दी खाते रहे, आपने जरा भी ख्याल किया होता तो देख लेते दरवाजा खुला था। मैं जानता हूं शारदा, मगर बात दरवाजों की नहीं, दरवाजे तो तोड़े भी जा सकते हैं, मगर ये लड़ाई तो अपने आप से है। मैं देखना चाहता हूं अपने वचन का कब तक पालन कर सकता हूं। अच्छा हुआ यार तुम आ गए, पिकनिक का मजा आ जाए। पिकनिक? हाँ नहीं यार मैं जाऊंगा। नाश्ता ठंडा हो रहा है मैम साहब। तुम जाओ, वो आएंगे तो एक साथ करेंगे नाश्ता। वेरी वेल मैडम। मैं नहीं खाऊंगा। याद आ रही है क्या? अरे शेखर कहाँ चला, बात तो सुन। मालूम नहीं था हमारा शेखर शादी के बाद बीबी का गुलाम हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है शेखर शादी करके खुश नहीं, जैसे कि दिल बुझ गया। सफर में हम
डगर आसान हुई, हमको डगर आसान हुई। दिल टूट गया प्यार में मुस्कुरा, सपने में जो आते हैं अक्सर महफिल में उनको बोला कल जो हुआ सो हुआ भूल जा। सपने में जो आते हैं अक्सर महफिल में उनको बोला रूपनगर की भीड़ में हमने खुद को भुलाना सीख लिया। मस्त नजर के जाम में हमने गम को डुबाना सीख लिया, गम को डुबाना सीख लिया। दिल डूबा प्यार में मुस्कुरा, सपने में जो आते हैं अक्सर महफिल में उनको बोला कल जो हुआ सो हुआ भूल जा। सपने में जो आते हैं अक्सर महफिल में उनको बोला दर्द है लेकिन होश नहीं तो कुछ भी नहीं। आज जहां को हम दुनिया को छोड़ के आए दूर कहीं, छोड़ के आए दूर कहीं। दिल डूबा प्यार में मुस्कुरा, सपने में जो आते हैं अक्सर महफिल में उनको बोला कल जो हुआ सो हुआ भूल जा। सपने में जो आते हैं अक्सर महफिल में उनको बोला समझने की कोशिश करो। लो कमाल है, वहां दामाद जी की सालगिरह और तुम यहां ऐसी बैठी हो जैसे सीता वनवास में। मैं इस तरह वहां नहीं जाऊंगी, ना उंगली में चिल्ला, ना हाथ में कंगन, ना कान में बाली। अरे ये घड़े जैसा मोती जो तुम्हारे साथ है, मुझे मालूम था तुम नखरा करोगी। सोनिया ये देखो, हीरो का हार। जी मेरे लिए खरीदा है? खरीदा है या मांगा, तुम्हें इससे क्या। अरे तुम जरा पहन के चलो तो सही, फिर देखो कितनों के सीने पे सांप लौटते हैं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो चलो। अरे कितना अच्छा लग रहा है, पसंद आया तुम्हें? सुनो कितनी अच्छी लग रही हो तुम, सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते जी। नमस्ते। चलिए सालगिरह मुबारक हो शेखर।
नमस्ते पिताजी। जीते रहो बेटे, जीते रहो। अरे झूलते हो। सालगिरह मुबारक। तुम्हारे लिए तोहफा लाई है। भैया इनको अंदर ले जाओ ना। आइए जी। सालगिरह मुबारक हो शेखर। थैंक यू वेरी मच। भगवान ने कितनी खूबसूरत जोड़ी बनाई है दोनों की। शारदा, आज के दिन तो पराये भी बधाई दे देते हैं शारदा, मगर तुमसे इतना भी ना हो सका। शेखर भैया, बाकी तो सब कुछ हो गया, जी भर के खाया, अब कसर रह गई तो सिर्फ कहने की। अरे हाँ यार, मैं तो ये भूल ही गया था भाईजान, ये कसर भी अभी पूरी हो जाती। जा शेखर बेटे, भाभी को जरा बोल। भाई खुद ही बोल लो। वाह बेटे, मैं क्या बोलूं, तू जाना जा, अम्मा जाओ ना। मेरे दोस्त तुमसे गाना गाने के लिए कह रहे हैं। देखो शारदा, मैंने आज तक अपने लिए कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, अगर मेरे लिए नहीं तो दूसरों का दिल रखते हो आज। लो भाभी गाओ बेटी, गा दो ना एक गाना। लो आओ चलो। नींद में
ये सामान क्यों बांधा जा रहा है? मैं क्यों जा रही? क्यों? बहुत सब्र किया है मैंने, अब थक गई। बहुत खूब, कसूर किसका और सजा किसको? अपने आप से पूछो शारदा, कल भरी सभा में तुमने क्या किया? क्या किया मैंने? दुनिया पे जाहिर किया जैसे तुम पे बहुत जुल्म ढाया जा रहा है, और वो जुल्म मैं ढा रहा हूँ। ये सच नहीं है क्या? मुस्कुराना तो भूल ही चुकी थी, अब मालूम हुआ यहाँ आंसू बहाना भी मना है, सिसकी भरना भी जुर्म है। जरूरी तो नहीं होता कि दुनिया के सामने ही आंसू बहाए जाए, अकेले में भी आदमी आहें भर सकता है। बहुत भर चुकी हूँ शारदा। तुम हमेशा अपना ही सोचती हो, कभी दूसरों का भी ख्याल किया होता कि उन पे क्या गुजरती है? ख्याल की क्या बात है, आंखों से देख चुकी हूँ, दूसरों के साथ गाती हुई, नाचती हुई, झूमती हुई, इसलिए मैंने सोचा अब ये तमाशा खत्म हो जाना चाहिए। शारदा, तुमने फिर मुझे गलत समझा, मगर इतना तो सोचो शारदा, तुम इस तरह चली जाओगी तो हमारे घर वाले क्या समझेंगे? मेरे लिए ना सही, उनके लिए ठहर जाओ। इल्जी, कुछ सुना तुमने? मैं तो हमेशा सुनता रहता हूँ, तुम ही नहीं सुनती हो भगवान, अब क्या सुनाने आई हो? देवर जी और देवरानी की बनती नहीं आपस में। तुमने कहाँ से सुना? मैंने अपने कानों से सुना है। ओहो, तुमने अपने कानों से सुना है? हाँ। चुप, खबरदार जो फिर कभी सुना। अव्वल तो तुम्हें सुनना नहीं चाहिए, और सुन लिया तो सुनाना नहीं चाहिए, समझी तहसीलदार की बेटी? दे दो। नहीं नहीं, मैं नहीं देती हार। अरे सुनियो, पराई चीज है, लौटा देनी चाहिए। सिर्फ एक दिन के लिए मांग के लाया था वकील साहब की बीवी से, ताकि तुम्हारी नाक न कटे। तुम्हारी नाक रह गई, अब हार लौटा दो। बड़े लीचड़ हो जी, हीरे जैसी बेटी मैंने तुम्हें दी है, एक मामूली सा हार नहीं दे सकते? इतने बड़े मुंशी बने फिरते हो, अपनी तनख्वाह से कटवा दो। अरे मेरी सारी तनख्वाह तो तुम सोडे में पी जाते हो, खाऊं क्या और कटवाऊं क्या? सोडा मैं पीता हूँ, पेट इसका दुखता है। तुम कुछ भी करो, मैं नहीं दूंगी। अरे सुनो तो, कह दो चोरी हो गया। क्या कहा? चोरी हो गया? जाइए जाइए, ये भी कोई बात है? चोरी हो गया, ठीक है। करने के लिए भागा, ससुर जी मुझे भूत समझ के पकड़ लिए, चोरी से भागा दो। हाय मेरा हार। कौन सा हार? वही वकीलनी का हीरो वाला हार। वकीलनी का हीरो? घबराओ नहीं चंदा, हार भी यही है और वो चोर भी यही है। निकालिए ससुर जी हार निकालिए, आप तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं कानूनी आदमी हूँ, सारे दांव पे जानता हूँ। देख रही हो बेटी, तुम्हारे घर में तुम्हारे सामने तुम्हारे बाबू के क्या हाल हो रहे हैं? छोड़ो मेरे बाबू को और भागो चोर के पीछे। चलो दोनों चोर को पकड़ दे। कोई फायदा नहीं ससुर जी, वो चोर कहीं का कहीं निकल गया होगा। मुझे तो फिक्र है वो 2000 रुपए के हार का, मुझे वकील साहब जेल भिजवा देंगे अगर वो हार नहीं पहुंचाया तो। जेल? हाँ हाँ जेल। और कोई रास्ता नहीं? एक रास्ता है, हमें 2000 रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे। कर लेंगे। कैसे? कल से मैं सोडा नहीं पीऊंगा। हाँ ये भी ठीक। और ससुर जी, आपके सोडा न पीने से 2000 रुपए जमा नहीं हो सकते, हम लोगों को कुछ काम करना चाहिए, कुछ करना चाहिए ताकि 2000 रुपए जमा हो। मैं पापड़ बेलूंगी। आपके पापड़ बेलने से 2000 रुपए नहीं जमा होंगे चंदा जी, इनको भी कुछ करना पड़ेगा। अरे मैं बूढ़ा आदमी क्या कर सकता हूँ, बूढ़ा आदमी खाना तो खाता है। ससुर जी आप घर में कुछ दस्तकारी शुरू कर दीजिए, शहद बनाना शुरू कीजिए। शहद के लिए शहद की मक्खियों की जरूरत होती है? होती है, वो बहुत काटती है। काटती है, काटने से दर्द होता है? होता है और जरूर होता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि आपके सोडा पीने से मेरे पेट में दर्द होता है। ये माय डियर, मैं कितना लकी हूं
इधर हमारी शादी हुई और उधर मैं इंश्योरेंस एजेंट से ब्रांच मैनेजर बन गया। सच में ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अरे बे, माफ कीजिएगा। माफ कीजिए, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, शौक से बैठिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बम्बई। बम्बई? वहाँ तो मेरा अपना घर है, गोपी महल जी से। सच में? फिर तो आप मेरी मदद जरूर कर सकते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं? नहीं, हमें मदद नहीं चाहिए, हमें तो मकान चाहिए किराए का। आपको मकान चाहिए किराए का? वो आपको मिल जाएगा। आपकी तारीफ? मुझे लड़के तो गोपी कहते हैं लेकिन लड़कियां नाथ। हेलो नाथ, हाउ डू यू डू? आई एम ऑलराइट, आई एम ऑलराइट। सो यू आर ऑलराइट? ओ लक्ष्मी, तुम जरा चाय का इंतजाम करो। मालूम होता है आप काफी अमीर हैं। थैंक यू, आपने ठीक फरमाया। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल, लवली, कितना प्यारा ड्राइंग रूम है आपका। थैंक यू वेरी मच, लेकिन रसोई घर उस तरफ। यू मीन किचन? ओह यस यस। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। आपका बेडरूम? बाबा बाबा बाबा, ब्यूटीफुल बेडरूम, ये तो बहिष्ट है, जन्नत है। थैंक यू वेरी मच। ये दरवाजा है ना? हाँ? ये बाहर खुली छत पर खुलता है, हवादार छत। यू मीन यू हैव ए ओपन एयर टेरेस? मैं देख सकता हूँ? जरूर देखिए, मुझे ठंडी हवा का बड़ा शौक है। हेमा आओ। देखिए इस मकान का किराया क्या होगा? अपने घर में कोई किराया देता है? आप मेरे हो गए, घर आपका हो गया। आपका मतलब है आप हमसे किराया नहीं लेंगे? पोगट का मकान है। हैंडशेक। क्या हो गया, पेट में दर्द? क्यों? मिलाद, मिलाद, माना ये तलाक का मुकदमा है लेकिन कई बार तलाक का मुकदमा कत्ल के मुकदमे से भी ज्यादा थंडी हो सकता है। आदमी जो कत्ल होता है सिर्फ एक बार मरता है, मगर मेरे मौतों को रोजाना मरना पड़ता है। एक अच्छी औरत घर को स्वर्ग बना देती है, मगर एक बुरी औरत इसी स्वर्ग को नर्क में बदल सकती है। ये औरत भी एक ऐसी ही औरत है, छिप छिप कर दूसरों की बात सुनती है, तीन बच्चों की मां है, देखभाल एक की भी नहीं करती। लॉर्ड, शौहर गिड़गिड़ाता है, रोता है, मगर उसे किस बात की परवाह? वो 24 घंटे अपने शौहर को कोसती है, काटती है, नोचती है, भूनती है, पलती है। मिलोन, मेरी एक ही दरख्वास्त है कि ये तलाक मंजूर किया जाए और उस मासूम आदमी को उस गायन के पंजे से छुड़ा लिया जाए। हाँ। आपका बेटा तलाक मांग रहा है मुझसे, और वो भी इस उम्र में। क्या कह रही है बहू? माथा तो ठीक है ना तेरा? मेरा माथा ठीक है, उनका माथा चल के देखिए। आइए मिलोर, घर में जितने फसाद होते हैं उसी से शुरू होते हैं और उसी में खत्म होते हैं। भाइयों में फूट वो डालती, आग पे तेल वो छिड़कती। सुन लिया माँ जी, मैं आग पे तेल छिड़कती हूँ? ये घर अब एक ही चीज से बच सकता है, तलाक से। तलाक? तुम्हें तलाक चाहिए? हाँ तलाक, इस बीमारी का यही एक इलाज, इस के खिलाफ यही एक बचाव है, तलाक। सुन लिया माँ जी, उठे। शर्म नहीं आती तलाक मांगते हुए? माँ, तलाक हर मर्द का हक है, और इस हक के लिए मैं सिर्फ यही नहीं लड़ूंगा, हाई कोर्ट लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट लड़ूंगा। तुम देखना माँ, अगर मैं ये मुकदमा जीत गया तो सारे हिंदुस्तान के दुखी पति तुम्हारे घर के सामने क्यों लगा देंगे? अरे पगली, ये तलाक अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मांग रहा है।
जो चीज आज दूसरों के लिए मांग रहे हैं कल अपने लिए मांगेंगे, उस वक्त मैं क्या करूंगी? उस वक्त तुम कोई दूसरा वकील कर लेना, मैं चला कचहरी।
मिल जाती हो दर्द दवा बन जाता है, वरना तुम बिन सारा जीवन सूना बन कहलाता है, सूना बन कहलाता है। हर मंजिल पर मुझको संभालो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं के तुमसे कितना प्यार है, मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं के तुमसे कितना प्यार है, मुझको अपने गले लगा लो। सोडी की बजाय शहद पीना शुरू कर दिया? मुझे बहुत प्यास लग रही थी। आपकी प्यास से तो भरे कुएं सूख जाए, शहद पीना शुरू कर दिया तो हार की कीमत कैसी अदा होगी? अरे वाह, कमाल है, मुझे प्यास लगी है। मुझसे अब नहीं बेले जाते पापड़। हार पहना जाता है, पापड़ बेले नहीं जाते। अच्छी बात है, बाकी के पापड़ ससुर जी बेलेंगे। क्या मैं? और नहीं तो कौन? ससुर जी देख लिया, सोडा पीना कितना आसान है और मेहनत करना कितना मुश्किल है। किसी को क्या मालूम कि मैं कचेरी में कैसे कैसे पापड़ बेलता हूँ। चलिए ससुर जी, पापड़ बेलिए। मैंने मन्नत मांगी थी, अब तो मैं पूरी करनी होगी। क्या माँ? आओ बेटी, मैंने कहा था शादी के बाद तुम दोनों को बालाजी के मंदिर भेजूंगी। माँ वो तो ठीक है, लेकिन आजकल दफ्तर में बहुत काम रहता है, और फिर शारदा न जाने वहां जाना पसंद करे भी या नहीं। क्यों नहीं पसंद करेगी? तुम जाओगे मेरी मन्नत पूरी करने, शारदा जाएगी कोई अपनी मन्नत मांगने। देख लो तहसीलदार की बेटी का क्या हाल हो रहा है इस घर में। बहू बालाजी के दर्शन करने जा रही है और मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं। जाने दो। क्यों? वो शेखर के साथ जा सकती है और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। जरूरत नहीं। क्या? अपनी मन्नत के पूरे तीन हो चुके हैं, इस बार मैंने शेखर के लिए मन्नत मांगी। मन्नत तो मैंने भी मांगी थी, मैंने कहा था मेरा पाँव फिर से भारी होगा। फिर से? चलोगे ना? नहीं, हरगिज नहीं। मैंने भी उल्टी मन्नत मांगी थी, मैंने कहा था जब तुम्हारा पाँव हल्का होगा तब दर्शन के लिए जाऊंगा। मिलाड, वो दिन कब आएगा? क्या कर रही हूँ शरीर। अबे आज हे माय डियर, तो फॉलो मी, फॉलो। जय हो बालाजी की, जय हो। कौन है आप? तुम कौन हो? मैं इस गाड़ी की मालकिन हूँ। ओ, तुम ही हो जिसने मेरी जगह ली। डार्लिंग। हिम्मत तुम? शेखर डार्लिंग, अगर तुम इसे अपने साथ लाने वाले थे तो मुझे क्यों बुलाया? कहाँ से पकड़ लाया इस चिड़िया को? क्या बकती हो? ये मेरी पत्नी है। ओ, पत्नी? कौन सा नंबर है? शारदा। शेखर डार्लिंग, यही तो तुम्हारे में बुरी बात है,
सबसे दूर भागता है उनके पीछे भागते और जो पास होते हैं उनके पास। बकवास बंद करो। हे माय डियर, हे माय डियर, भगवान का प्रसाद खाओ। ये क्या पागलपन है, तू मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? देखो शारदा, तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं, इस तरह बारिश में भीगोगी तो और बीमार हो जाओगी। भगवान के लिए घर चलो शारदा। बारिश और सर्दी की वजह से निमोनिया हो गया है, आपको बहुत ख्याल रखना होगा। मैं अभी दवाई भिजवा देता हूं। शेखर का, शारदा को निमोनिया हो गया। अरे राम, वहां तो उसे देखने वाला कोई नहीं है, आप जल्दी से जाकर उसे ले आइए। अच्छा। हेमा, तुम यहां क्या लेने आई हो? तुम्हारा हाल पूछने आई हूं, तुम्हारे लिए तो चार कदम भी काले कुस हो गए। आखिर मुझे को हार क्या आया? फिर कोई नया गुल खिलाने आई हो? नहीं, एक बुझा हुआ दिल लेके आई हूँ, एक टूटा हुआ सांस। शेखर, तुम चाहो तो बुझे हुए दीप जल सकते हैं, मरे हुए गीत जी सकते हैं। देखो हेमा, तुम पहले भी काफी जुल्म कर चुकी हो, मेरी बीवी शारदा सिर्फ तुम्हारी वजह से बीमार हुई। ओहो, बीमार है? मुझे बुला भेज दे, मैं उनकी तीमारदारी करती, तुम्हारी खिदमत करती। हाँ, बीमार कहाँ है जरा देखूं तो। हेमा, खबरदार जो उस तरफ गई तो, मैं नहीं चाहता तुम्हारी छाया भी उस पे पड़े। अच्छा गुरुदेव, मैं यहाँ बैठ तो सकती हूँ, तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने। शेखर, मैं भी तो बीमार हूँ। चली जाओ, निकल जाओ यहाँ से। इतना तो बता दो शेखर, शारदा में क्या है जो मुझ में नहीं? बताऊं हेमा, शारदा क्या है और तुम क्या हो? शारदा मंदिर में बिठाई हुई एक देवी है और तुम दुकान में रखा हुआ एक खिलौना हो। और कुछ सुनना चाहती हो? नहीं, कुछ कहना चाहती हूँ। अब भी तुम्हारे खत मेरे पास पड़े हुए हैं, उनका क्या करूँ? उन्हें फ्रेम में सजाकर अपने घर में रख लो। हेमा, वो दिन गए जब मैं डरा करता था, अब मुझे किसी की परवाह नहीं। बाय बाय। शेखर, पिताजी, खबरदार जो मेरे पांव को हाथ लगाया। शादी के बाद भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, न खानदान की इज्जत का ख्याल है, न बहू की बीमारी का। पिताजी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। पिताजी, एक वकील की हैसियत से आप तो अच्छी तरह जानते हैं, कई दफा आंखों देखी बात भी सच नहीं होती। बदतमीज, मुझे वकालत सिखाता है? अरे नालायक, बहू का हाल सुनकर तेरी माँ बेचैन है, उसे लेकर फौरन घर चला। ये
शारदा। तुम बेहोश हो गई थी शारदा, इसलिए तुम्हें उठाना पड़ा, तुम्हें छूना पड़ा। मैं तुमसे सच कह रहा हूं शारदा, मगर सच तो यह है कि मैं सच भी कहता हूं तो लोग समझते हैं कि मैं झूठ कह रहा हूं। शारदा ऐसा क्यों है? सब मुझको इतना गलत क्यों समझते हैं? क्यों मुझसे सब नफरत करते हैं? क्यों करते हैं नफरत? अगर क्यों,
बद्रीनाथ में बहुत ठंड है, ये साथ लेते जाइएगा। एक मिनट भी यहाँ नहीं ठहरूंगा, तुम कहोगे तो नहीं ठहरूंगा। बापू को रोको ना। अरे जाने दो तुम्हारे बापू को, तुम्हारे बापू एक जबान के आदमी है, जो कहते हैं वही करके दिखाते हैं। सिधारिए बापू। बापू नहीं, बापू नहीं। रोको ना बापू को। ठहरो जी, मैं जा रहा हूँ। नमस्ते बेटी, मैं सचमुच जा रहा हूँ। भगवान के लिए सिधारिए ससुर जी, भगवान के लिए। बापू बापू वापस आ जा, बापू बापू बाप। हार? हाँ वही हार। वही हार तो क्या वो चोरी नहीं हुआ था? नहीं। तो फिर ये पापड़, ये शहद की मक्खियाँ, ये दस्तकारी, ये सब एक सबक था तुम्हारे और तुम्हारे बाप के लिए। घर के हर एक आदमी को काम करना चाहिए, रुपया मुफ्त में नहीं आता है, खून पसीना एक करना पड़ता है। तुम कितनी चालाक हो जी। सुनियो, तुम भी कुछ कम नहीं। आहा, तुम कितनी अच्छी लग रही हो, चांसा मुकड़ा। सुनियो, तुम्हें मुझे प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जब फॉरगेट मी नॉट, तुम्हें न मुझको प्रेम सिखा। प्यारी हेमा, प्यारी हेमा, तुम्हारा नाथ। प्यारी हेमा, अब और इंतजार नहीं होता, फौरन बताओ तुम्हारा बंदर, मेरा मतलब है हनुमान। हनुमान, आई एम बंदर। कब यहां से दफा होगा? दौरे पर जाएगा तो कितने दिन के लिए जाएगा? हमें कितने दिन मिलेंगे एक साथ रहने के लिए? तुम्हारा नाथ, तुम्हारा नाथ। मुफ्त में घर देकर मेरा घर बर्बाद कर दिया, तुम कितने नीच हो। डार्लिंग, किसको नीच कह रहे थे? नहीं नहीं, मैं तो नेचर की तारीफ कर रहा था। सोच रहा था घर में नए फूल खिल रहे हैं और मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। सी माय बैड लक। जल्दी आओगे ना? हाँ, बस एक हफ्ता तो लग ही जाएगा। एक हफ्ता? ओ डार्लिंग, इतने दिन में तुम्हारे बिना कैसे काटूंगी? जैसे पहले काटती रही हो। ये तुम्हारे दौरे सफर कभी खत्म होंगे या नहीं? बस ये आखिरी सफर है। ओ डाली, तुम्हारा वक्त हो गया, चलो चलो जल्दी करो। माय डार्लिंग, खुश की थी, फिर सब ऊपर जा रहे हो? यस, जाना ही पड़ता है, किस्मत ही ऐसी है। ठीक है, जा रहे हो तो जाओ। आई एम सॉरी, लेकिन पीछे की कोई फिक्र नहीं करना, मैं तुम्हारी हर चीज का पूरा ख्याल रखूंगा। मैं जानता हूं तुम रखोगे। अच्छा हेमा, मैं जा रहा हूं, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय डार्लिंग। मैनेजर, मुझे एक कमरा चाहिए, मिलेगा? सॉरी सर, कमरा कोई खाली नहीं। खाली नहीं है? कौन कहता है कमरा खाली नहीं? इस आदमी ने पैसा दिया ना धेला और कमरे पे कब्जा जमा बैठा है। खाली कराओ इससे कमरा और दे दो इस भले आदमी को। कमरा बाद में खाली करूंगा, पहले तुम तमीज से बात करो। लीजिए जनाब, अब तमीज से बात करते हैं, कमरा खाली कर दीजिए। नहीं होगा, पहले किराया चुकता किया जाएगा, बाद में कमरा खाली होगा। ये बात है। हरिओम हरिओम, झगड़ा मत कीजिए। क्या कर रहे हैं आप? देखिए, आप मेरे पिता समान हैं, मैं आपके बेटे की तरह हूँ। ऐसा नहीं हो सकता मैं आपका सारा किराया चुका दूं। आप मुझे अपने कमरे में छोटा सा बिस्तर लगाने दीजिए, मेरा बिस्तर बड़ा छोटा है।
हाँ हो सकता है। ये आप रखिए 100 रुपए एडवांस। ये रखिए, ये है मेरा कमरा। इस कमरे में मैं अकेला रहता हूँ, बिल्कुल अकेला। वो कौन है तस्वीर में जो तुम्हारे साथ खड़ा है? ओ वो, ये है मेरा प्यारा दोस्त शेखर। हाय, काश तुम इससे मिली होती, क्या रंगीन आदमी था। था? हाँ, शादी से पहले, अब तो बीवी के नाम की माला जपता है। ओ। टेलीग्राम। ओहो। सलाम सर। सलाम। किसका तार है? मेरे दादा का। देखो ना, इन बुड्ढों से भी भगवान बचाए, जो काम करते हैं गलत मौके पर करते हैं। क्यों, क्या हुआ? ये देखो, सख्त बीमार हो गए। दादा मिलने की उम्मीद है? डार्लिंग, किसी उम्मीद पर तो जाना पड़ेगा। ओ, तुम जाओगे? ओहो, तुम घबरा नहीं, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। कोशिश करूंगा कि इस हनुमान के बच्चे से पहले आऊं। ना जरा हम चलते हैं। देखो, तुम अभी अभी बीमारी से उठी हो, अपने साथ का ख्याल रखना। अच्छा बेटी। अच्छा अच्छा बेटी। हाँ, नहीं मैं नहीं आ सकती, कल बताऊंगी। सरला, तुम्हारे भैया का टेलीफोन था क्या? नहीं तो, लेकिन आप चाहे तो अभी मिला सकती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। क्यों रहने दो? ठहरो। हेलो भैया, भैया भाभी आपसे कुछ बोलना चाहती है। भाभी? हाँ हाँ, कितनी दफा तो पूछ चुकी है कि टेलीफोन आया कि नहीं। ये क्या कह रही हो, तुम्हारी भाभी पूछ रही टेलीफोन आया कि नहीं? हाँ हाँ, लो भाभी बात करो। नहीं नहीं सरला, रहने दो। तुम भी अजीब हो भाभी, जब टेलीफोन नहीं आता तो कहती हो क्यों नहीं आया, और जब आता है तो कहती हो रहने दो। लो भाभी बात करो ना, करो ना। हेलो 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 हेलो, बोलो ना। हेलो कितनी बार हेलो कहोगे भाभी, आगे बढ़ो। चलो हटो ना। हेलो, मैं पूछ रहे थे घर कब आइएगा। बस जल्द आ जाऊंगा, अभी आ रहा हूं, समझ लो कि आ गया। हेलो, क्या कहा? गोपी बीमार है? अरे काली तो से मिला था जी, रात से बुखार है, अभी तो बहुत ही ज्यादा बुखार हो गया है। मगर तुम कौन हो? जी जी, मैं नौकरानी बोल रही हूँ जी। आई साहब बुला रहे हैं, बाबू मेहरबानी करके जल्दी आइएगा। अच्छा आता हूँ। गोपी, ओ गोपी, ए गोपी, अरे क्या हुआ तुझे? तुम और यहाँ? हाँ शेखर, मैं ही बैठो ना। गोपी कहाँ है? शेखर, हम दोनों के सिवा यहाँ कोई नहीं है। और वो टेलीफोन? वो सब झूठ, जो सच है वो तुम्हारे सामने है। समझा, तो वो सब तुम्हारी चाल थी? हाँ शेखर, ताकि तुम्हें देख सको, तुमसे कुछ कह सको, तुम्हारे संग कुछ घड़ियां बिता सको। ये नाटक किसके लिए? सिर्फ इसलिए ना, लो रख लो। नहीं शेखर, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए शेखर। देखो हेमा, मैं वो पहले वाला शेखर नहीं रहा, बदल चुका हूँ। मेरे लिए अब भी तुम वही शेखर हो, और ना कर पाओ शेखर। मुझे जाने दो हेमा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अच्छा।
मुझे माफ कर दो शंकर, मुझे माफ कर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मैंने तुम्हें गलत समझा। शारदा, शंकर, शारदा, न जाने मेरे पाप के लिए भगवान भी मुझे क्षमा करेंगे या नहीं, तुम मुझे माफ कर दो शंकर। कितना भाग्यवान हूं शारदा, तुम मेरी पत्नी हो। रो मत शारदा, रो मत, मुस्कुरा दो शारदा, तुम्हारे होंठों पे मुस्कुराहट देखने के लिए तरस किया, मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो।
पे मैं सा सवार कर दो खुद खनिसा वही सपनों की शाम देख लाई मेरा प्यार सच्चे जिसका इंतजार मेरा दिल गया हार वही सपनों की शाम देख लाई मेरा मुझे अफसोस है मिस्टर शेखर मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ गिरफ्तार क्या किया मैंने हेमलता का खून जी नहीं नहीं ये झूठ है ये नहीं हो सकता जानते हैं आप किसको गिरफ्तार कर रहे हैं ये सरकारी वकील का घर है उन्हीं से इजाजत लेकर आया हूँ पिताजी 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 रोकिए उन्हें रोकिए पिताजी वो उन्हें पकड़ कर ले जा रहे हैं कौन किसको पकड़ कर ले जा रहा है पुलिस माँ पुलिस तुम्हारे बेटे को शेखर आप करे आप देख रहे और खामोश करे शेखर आपका बेटा है इसीलिए तो मेरी नजरें नीची मेरा सर चुका हुआ है आज सरकारी वकील से खूनी का बाप बन गया वो खूनी नहीं है पिताजी उन पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है झूठ और सच का फैसला तो अदालत में होगा इंस्पेक्टर साहब ले जाइए नहीं नहीं इन्हें रोको नहीं ऐसे खूनी की वही जगह है जहां ये जा रहा है मुकदमा भी पेश नहीं हुआ फैसला आपने पहले सुना दिया मैं नहीं मालूम बेटी मैं शेखर का तुमसे ज्यादा जानता हूं जब तुम बीमार थी उस वक्त नहीं, 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 मैं आपको नहीं जाने दूंगी पागल ना बनो शारदा मुझे जाने नहीं, नहीं। आप इस तरह कानून का रास्ता नहीं रोक सकती चलिए ठंडा हुआ तुम्हारा तुम कैसे बाप हो आंखों के सामने बेटे को हथकड़ी में और तुम देखते रहे मैं बाप के साथ एक वकील भी हूं बाप का प्यार फर्ज के सामने हार गया तो आप अपने बेटे के लिए कुछ नहीं करेंगे नहीं मैं मजबूर हूं अच्छी बात है आप अपना फर्ज निभाइए मैं अपना धर्म पालूंगी मैं साबित कर दूंगी वो निर्दोष है निर्दोष है निर्दोष है वो निर्दोष होता तो मुझे यकीन है मिस्टर धर्मदास अपनी सरकारी वकील की कुर्सी छोड़ देते और शेखर का मुकदमा खुद लड़ते वकील साहब कुछ तो कीजिए कोई फायदा नहीं मेरा बेटा माँ पिताजी नहीं आए 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 हैं और उनको मेरी सूरत देखना गवारा नहीं मैं उनके लिए वही टूटी हुई उम्मीद खोया हुआ विश्वास हूँ वो अब तक यही समझते हैं ना कि मैं आवारा हूँ खूनी हूँ बदमाश हूँ बेटा ठीक है माँ ठीक है माँ मैंने जिंदगी में बहुत सी गलतियां की मगर सच मान माँ मैंने ये खून नहीं किया मैं जानती हूँ बेटा माँ मैं कचहरी में शायद अपने आप को निर्दोष साबित ना कर सकूं
शायद मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। माँ, माँ अगर मेरी मौत के बाद मेरे पिताजी को यह विश्वास हो जाए कि उनका बेटा निर्दोष था तो यकीन मान माँ मेरा जन्म सफल। ऐसा मत कहिए, दुनिया में इतना अंधेर नहीं है कि एक निर्दोष फांसी पर चढ़ा दिया जाए। आप निर्दोष हैं शारदा। मैं कितना भाग्यवान हूं शारदा कि तुम्हारी नजरों में तो निर्दोष हूं, लेकिन मुझे दुख एक ही बात का है कि तुमसे शादी करके मैंने तुम्हें कोई सुख नहीं दिया। ऐसा क्यों कहते हैं आप, मुझे तो सब कुछ मिला है। आदमी के रूप में एक देवता मिला है। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। शारदा शेख, शेख शारदा, अपने नसीब नहीं बदले। पहले हम दोनों के दरमियान एक महीन जाली का पर्दा था और अब लोहे की सलाखों का पर्दा है। भगवान पर भरोसा रखिए, ये पर्दा भी हट जाएगा, ये दीवार भी टूट जाएगी। वकील योर ऑनर, सरकार की तरफ से मुकदमा मैं पेश करूंगा। मिस्टर धर्मदास, आप? मैं यकीन दिलाता हूं कि जुर्म इंसाफ के बीच बाप और बेटे का रिश्ता आड़े नहीं आएगा। सफाई की तरफ से कौन पेश हो रहा है? जी कोई नहीं, जज साहब एक ही आदमी था जो मेरी तरफ से जिरा कर सकता था, साबित कर सकता था कि मैं खूनी नहीं हूं, बेगुनाह हूं। मगर जज साहब, जब वही आदमी मेरे खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है तो मेरी तरफ से कौन जिरा करेगा? मैं करूंगा। भैया, योर ऑनर, सफाई की तरफ से वकील मैं पेश हो रहा हूं। तुम? योर ऑनर, माय ऑनर। मिस्टर धर्मदास, तुम नहीं, आप। मिस्टर महेश सफाई की तरफ से वकील पेश हो रहे हैं। आई एम सॉरी योर ऑनर। थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू। मिस्टर गोपीनाथ जी, आप मुलजिम शेखर को जानते हैं? जी बहुत अच्छी तरह, शेखर मेरा जिगरी दोस्त है। फिर तो आपको यह भी मालूम होगा कि हेमलता से मुलजिम शेखर का पुराना रिश्ता था। जहां तक मेरा ख्याल है वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। फिर मुलजिम शेखर आपके घर क्यों गया था जब आप घर पर नहीं थे? मुमकिन है उसे मालूम ही नहीं हो कि मैं घर में हूं। That's all your honor. मिस्टर गोपीनाथ जी, हेमलता के चाल चलन के बारे में आप क्या जानते हैं? वो अच्छे चाल चलन की लड़की नहीं थी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, हेमलता कैसी औरत थी? मुकदमा यह नहीं है, मुकदमा यह है कि मुलजिम शेखर ने हेमलता का खून किया या नहीं। वकील सफाई मुकदमे को उलझाना चाहते हैं। एतराज मान लिया गया। मिस्टर गोपीनाथ, जिस कमरे में हेमलता का खून हुआ था उसमें सीढ़ियों से ही आदमी दाखिल हो सकता है या किसी और रास्ते से भी? जी वैसे छत के रास्ते से भी आदमी दाखिल हो सकता है। यह नोट किया जाए योर ऑनर। आपके पास क्या सबूत है कि हेमलता का खून मुलजिम शेखर ने किया? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मैं एतराज करता हूं जनाबे आला। सरकारी वकील को मालूम होना चाहिए सबूत किसे कहते हैं। सबूत वो होता है जिससे साबित किया जाता है। अब तक शेखर पर सिर्फ इल्जाम लगाया गया, साबित नहीं किया गया। एतराज मांग लिया गया। थैंक यू योर ऑनर। इंस्पेक्टर फिरोज खान,
हेमलता की लाश के पास आपको क्या क्या मिला? एक कोट, एक बटुआ, एक रुमाल और एक चाकू। ये कैसे मालूम हुआ कि कोट मुल्जिम शेखर का है? कोट में एक बटुआ था, उसमें एक कार्ड था जिस पर मुल्जिम का नाम और पता दोनों दर्ज थे। और यह भी कैसे मालूम हुआ कि रुमाल मुल्जिम शेखर ही का है? रुमाल पर एस खड़ा हुआ है। That's all your honor. इंस्पेक्टर फिरोज खान, जब आपको टेलीफोन पर हेमलता के खून की खबर मिली तो आवाज किसकी थी, मर्द की या औरत की? मर्द की। और जब आप मौके पर पहुंचे तो वहां आपको कौन मिला? घर की नौकरानी। यानी कि औरत। बहुत खूब, टेलीफोन मर्द का आता है और मुलाकात औरत से होती है। योर ऑनर, ये नोट किया जाए। चीख सुनकर जब तुम घर में दाखिल हुई तो सबसे पहले क्या देखा? मैंने देखा शेखर बाबू सीढ़ियों से उतर रहे थे, घबराए हुए, सहमे हुए। तुमने क्या किया? मैं ऊपर गई, देखा तो मालकिन की लाश खून में लथपथ पड़ी थी। फिर तुमने क्या किया? मैं चिल्लाई, खून खून खून। अच्छा, तो आप चिल्लाई खून खून, फोन किसने किया था? मैंने नहीं किया। क्या? फोन। मैं आपसे कह रहा हूँ फोन, फोन यानी टेलीफोन, फोन किसने किया था? आई ऑब्जेक्ट यू ऑनर। प्रोसीड। क्या ये नहीं हो सकता कि ये खून खून चिल्लाई और किसी पड़ोसी ने फोन कर दिया? ये हो सकता है जनाब वाला, मगर ये भी हो सकता कि जिस पड़ोसी ने फोन किया उसी पड़ोसी ने खून भी किया। इस मुकदमे में पहले यह देखना चाहिए कि वो पड़ोसी कौन है। तो आप ही हैं हेमलता के पति? जी हाँ। जब ये वारदात हुई तो आप कहाँ थे? जी मैं शहर में नहीं था, बाहर चला गया था। ये झूठ है, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हाँ ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है। आपकी तारीफ? मुझे हनुमान कहते हैं। सिर्फ हनुमान, आगे पीछे कुछ नहीं? हनुमान शर्मा। शर्मा, एस एस एच ए आर एम ए। यस। तो मिस्टर शर्मा, इस रुमाल को आप पहचानते हैं? ये आपका तो नहीं? जी नहीं, इस पर खून के निशान हैं। फिर मैं कभी सफेद रुमाल इस्तेमाल नहीं करता, मैं हमेशा रंगीन चार खाने वाला रुमाल इस्तेमाल करता हूँ। हैव ए लुक, लुक लुक। एस, शुक्रिया। ऑल राइट यू ऑनर, रुमाल जो हेमलता के कमरे में मिला था वो भी रंगीन और चार खाने वाला रुमाल था, और ये रुमाल जो अभी अभी मिस्टर हनुमान शर्मा ने मुझे दिया, और वो रुमाल जो अदालत में पेश किया गया था, दोनों में एक ही तरह का एस कड़ा हुआ, एक ही हाथ का खड़ा हुआ। एस अगर शेखर का हो सकता है तो वो यह शर्मा का भी हो सकता है। मिस्टर शर्मा, जिस दिन ये वारदात हुई थी उस दिन आप कहां थे? मैं कहीं बाहर चला गया था। कहां? बहरामपुर। ये झूठ। योर ऑनर, गवाह हनुमान शर्मा ने हलफ लिया कि वो अदालत में जो कुछ कहेगा सच कहेगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। और सच ये कि जिस दिन हेमलता का खून हुआ था वो यही था, इसी शहर में था, और ये साबित किया जा सकता है। जी हां, हनुमान शर्मा उसी दिन इसी शहर में थे, मेरे साथ होटल में, मेरे कमरे में। योर ऑनर, इससे कुछ साबित नहीं होता। मिस्टर हुकुमचंद कहते हैं कि मिस्टर हनुमान उस दिन उनके कमरे में थे। मिस्टर हनुमान कहते हैं कि वो शायरी में नहीं थे। मेरी दरखास्त है कि होटल के मालिक को अदालत में बुलाया जाए। अदालत अगर ये जानना चाहे कि फला आदमी फला दिन आपके होटल में ठहरा, तो आप कैसे बता सकते हैं? रजिस्टर से, हर होटल में एक रजिस्टर होता है जिसमें हर आने जाने वाले का नाम और पता दर्ज रहता है। ये मुलाजम मुलाजा युवान, यहां सबके नाम दर्ज है, यहां तक हुकुमचंद का भी नाम है, मगर हनुमान शर्मा का नाम नहीं है। अब भी आपको कुछ कहना है मिस्टर महेश? जी नहीं। गवाह जो अदालत में पेश में और जो बयान दिए गए उसे साबित हो गया है कि हेमलता का खून मुल्जिम शेखर, सिर्फ मुल्जिम शेखर ने किया। हेमलता के मौत के वक्त मुल्जिम शेखर उसके घर में मौजूद था, उसके कमरे में मौजूद था। घर की नौकरानी ने हेमलता की चीख सुनकर जो सबसे पहला आदमी देखा वो मुल्जिम शेखर था।
सहमा हुआ, घबराया हुआ। उसके पहले न घर में कोई आया, न उसके बाद कोई घर से निकला। घर की नौकरानी जब कमरे में दाखिल हुई तो उसने हेमलता की लाश का खून में लथपथ देखा, जिमशेखर ने किया था। इंसान क्या तो इंसान का खून दुनिया में सबसे खिलौना चुर्म है। दुनिया के किसी मुल्क में, किसी समाज में, किसी इंसान को यह हक हासिल नहीं होता कि वो दूसरे इंसान की जिंदगी की दौड़ बीच में काटते, और जो काटता है वो समाज का दुश्मन, इंसान का दुश्मन। इसलिए वो आदमी जो दूसरों से जीने का हक छीनता है, खुद भी जीने का हक खो बैठता है। मैं दफा 302 के मातहत मुलजिम शेखर के लिए सजाए मौत की दरख्वास्त करता हूं। मुकदमे के बारे में कोई बयान देना चाहते हो? योर ऑनर, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, समाज से, कानून से, सरकारी वकील से। क्या एक दफा इंसान रास्ता भटक कर सही रास्ते पर नहीं आ सकता? क्या एक दफा जिंदगी बिगड़ कर समर नहीं सकती? क्या एक दफा माथे पर लगी हुई स्याही धुल नहीं सकती? मुझे अफसोस है, मैं सरकारी वकील की नजर में, अपने बाप की नजर में अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सका। मगर उसके साथ मुझे खुशी भी है, बहुत बड़ी खुशी। कटहरे के उस तरफ बैठी उस लड़की को देखते हैं आप? वो मेरी बीवी है। उसकी आंख से टपके हुए एक आंसू ने मेरी जिंदगी की तमाम स्याही को धो दिया। आज उसकी नजर में मैं बेगुनाह हूं। उसका दिल कहता है जुर्म मैंने नहीं किया। बस मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना यही थी कि मैं अपनी बीवी की नजर में अपने आप को एक अच्छा आदमी साबित कर सकूं। आप कानून मुझे जो चाहे सजा दे सकता है। जूरी की राय लेने के बाद मुकदमे का फैसला कल सुनाया जाएगा। बुआ, चाचा कभी आएगा? दादाजी से पूछो जिन्होंने जेल में डाला है। आ बेटा, मेरे पास है। तू आ जा। नहीं, हम आपके पास नहीं आएंगे। आप बहुत खराब हैं। शेखर भैया को जेल में भेज दिया है, हम नहीं आएंगे। नहीं बेटे, नहीं, नहीं बेटे। देख लिया तुमने, बच्चे भी क्या सोच रहे हैं। उन्हें तो इतना ही मालूम है कि शेखर जेल में। उन्हें तो ये भी खबर नहीं कि आज तुमने मेरे सामने मेरे बेटे के लिए मौत की सजा मांगी है। मेरे दिल के टुकड़े हो गए, तुम्हारे दिल को कुछ नहीं हुआ। टुकड़े मेरे दिल के भी हुए हैं, लेकिन दिल के साथ मेरे पास एक जमीर भी है। दिल के घाव मत सह लेता है, छुपा लेता है, लेकिन जमीर के तमाचे नहीं बर्दाश्त होते, नहीं बर्दाश्त होते। उस वक्त तुम्हारे जमीर का क्या होगा जब तुम्हारे कहने पर तुम्हारा बेटा फांसी पर झूले, तुम्हारे घर में तुम्हारी आंखों के सामने एक जवान दुल्हन की चूड़ियां तोड़ी जाएगी। मैं पूछती हूं, उस वक्त तुम्हें कुछ नहीं होगा जब इस घर से दो अर्थियां निकले, एक शेखर की और दूसरी मेरी। एक अर्थी और भी निकलेगी, तीसरी अर्थी मेरी उम्मीदों की, मेरे अरमानों की। लेकिन मैं उस वक्त भी इसे भगवान का इंसाफ मानकर सब्र कर लूंगा। आदमी जो बोता है वही काटता है, ये दुनिया का अटल कानून।
ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। हनुमान उस रोज बहरामपुर नहीं गया, 3 दिन यहाँ रहा होटल में मेरे साथ इसी शहर में। क्या आपके साथ इस शहर में? हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अदालत में झूठ कहा है? बिल्कुल झूठ। खुश की तय, मेरा दिल तो कहता है कि ये खून हनुमान ने ही किया। अदालत दिल की बातें नहीं मानती, अदालत को सबूत चाहिए, जीता जागता सबूत। कैसे पता चलेगा? बरखुरदार, जब हम तुम्हारी उम्र में थे तो बोतल का गला यूं पकड़ते थे और यूं डकार जाते थे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी पी सकता हूँ। बोतल लो। पियो दीजिए। वाह 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 वाह, बहादुर हो तो ऐसा हो। अगर इस वक्त हेमा होती तो कैसा होता बरखुरदार? हेमा, 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 निकल जाओ यहां से, गेट आउट। हेमा, तुमने मेरे साथ धोखा किया, अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में मुझे फंसाया, तुम्हें ऐसी फरेब की सजा मिली है। नहीं हेमा, तुम कौन हो? डार्लिंग, तुमने मुझे पहचाना नहीं? हेमा? हाँ डार्लिंग, मैं तुम्हारी हेमा। नहीं नहीं। क्या नहीं डार्लिंग? हेमा मर चुकी है, मैंने अपने हाथों से उसका खून किया है, इन हाथों से उसकी पीठ पर छुरा घोंपा है, वो मर चुकी है। हेमा नहीं मरी डार्लिंग। नहीं मरी तो अब मरना पड़ेगा, तुम आज के बाद जिंदा नहीं रह सकती। मैं तुम्हें मार के रहूंगा, मार के रहूंगा। कौन हो तुम? ये उस बेगुनाह की पत्नी है जो हेमा के खून के इल्जाम में पकड़ा गया। भागने की कोशिश कर रहे हो बरखुरदार? तुमने हेमा का खून किया है। हाँ हाँ हाँ, मैंने हेमा का खून किया है, खून किया है, क्योंकि उसने मेरे साथ धोखा किया। आप मुझे सजा दीजिए, मुझे मारिए, मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इसने आपके सामने अपने गुनाह का इकरार किया है, आप गवाह रहेंगे, हेमा का कातिल यही है। मिस्टर शेखर, तुम्हें बाइज्जत रिहा किया जाता है। हेमलता के खून का मुकदमा हनुमान शर्मा पर चलाया जाएगा। शेखर, 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 शेखर मेरे बच्चे, मैंने तो सोचा था बेटा आप इस जन्म में मुलाकात ही नहीं होगी। शायद होती भी ना, मगर शारदा के अटल विश्वास ने मुझे बचा लिया। शारदा, शारदा, मैं सच कहता हूँ शारदा, तुमने मेरी जिंदगी का एक नया वर्ग उलट दिया, मुझे एक नई रोशनी दिखाई है। तुमने ये साबित कर दिया है कि अगर जिंदगी की आंधियां कमजोर पति को गिरा सकती हैं, तो पत्नी का प्यार उन आंधियों से लड़ सकता है, उनका मुकाबला कर सकता है, अपने हमराही को बचा सकता है। शेखर, पिताजी, आप अभी तक नाराज हैं मुझसे, अदालत ने मुझे रिहा कर दिया, फिर आप मुझे माफ क्यों नहीं कर देते? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, तुमने कोई जुर्म नहीं किया था और मैं तुम्हें सजा देता रहा। मैं तो भूल ही गया कि लोग बिगड़ कर सुधर भी सकते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो आप सबको, बड़ी बहू के बच्चे हुए हैं। बच्चे? तीनों ठीक ठाक हैं। तीन? हाँ, एक भाभी, दो बच्चे। आई प्रोटेस्ट, मिलो, बेइंसाफ नहीं, बेइंसाफी।
तुझको अपने गले लगा लूं।